आप देख रहे हैं न्यूज शेष के तहत तक। दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही है बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां राजेपुर चौकी के पास में जीटी रोड पर एक अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की वहां पर उपस्थित लोगों के अनुसार मौके पर हो गई थी मौत। एक्सीडेंट की सूचना पाकर के बिल्लौर पुलिस पहुंची मौके पर। आनन फानन किसी वाहन से उसे CHC बिल्लौर लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। जब उस घायल को CHC लाया गया तो CHC में उसकी सांसें नहीं चल रही थीं। डॉक्टरों ने कहा कि वहां पर जब पहुंचा तो वो मृत अवस्था में हो चुका था। डॉक्टरों ने बताया कि जब CHC पहुंचा तो पुलिस के अनुसार से उसकी कोई भी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, कोई जानकारी नहीं हो पाई थी। अज्ञात के रूप में उसे वहां पर पहुंचाया गया, लेकिन जब मीडिया के माध्यम से उस सूचना को प्रसारित किया गया तो कुछ देर के बाद में पता लगा कि जरेलापुर निवासी फूलचंद, जो कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनका बेटा लगभग 26 वर्षीय किसी काम से बिल्लौर की तरफ जा रहा था बाइक से, जिसकी राजेपुर के पास में किसी वाहन से टकरा करके दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना की सूचना पाकर परिजन दौड़े। अत्यंत कष्ट की बात यह है कि जब परिजनों से बात की गई तो परिजनों ने बताया कि पुलिस कह रही है अपने साधन की व्यवस्था करो, वाहन की व्यवस्था करो, जिसके माध्यम से उसे पोस्टमार्टम के लिए कानपुर ले जाया जाए। परिजन इतने गरीब तबके के हैं कि उनके पास किसी भी साधन को किराए पर करने की व्यवस्था नहीं है। उक्त के संबंध में जब थाना अध्यक्ष बिल्लौर से बात की गई तो थाना अध्यक्ष ने बताया फोन पर कि किसी भी घायल अवस्था में वाले व्यक्ति को या मृतक को ले जाने के लिए पुलिस के पास में कोई भी साधन की व्यवस्था नहीं है। अक्सर पोस्टमार्टम के लिए व्यक्तिगत वाहनों के माध्यम से ही ले जाने की व्यवस्था कराई जाती है। उपस्थित दुखी परिजनों ने बताया कि राजकुमार मृतक के पिता फूलचंद इतने वृद्ध हैं कि वो आ पाने की स्थिति में नहीं है। जब उनसे कहा गया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, क्या नहीं चलोगे, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे जा पाएंगे, जा पाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे वृद्ध पिता जिनकी एकमात्र सहारा था ये बेटा, उसके जाने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बिल्लौर कानपुर नगर से कैमरामैन राहुल सिंह के साथ संवाददाता संजय त्रिपाठी, खास रिपोर्ट एंग्लो इंडियन न्यूज। वहीं एक दूसरी तरफ अलियापुर के पास में एक व्यक्ति बाइक से आ रहा था जिसकी भी अनियंत्रित वाहन ने टक्कर मार दी, वो भी घायल अवस्था में CHC में एडमिट कराया गया। उसकी भी स्थिति दर्दनाक बनी हुई है, लेकिन स्थिति प्रशासन से मांग है कि ऐसी अवस्था में कम से कम घायलों और मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए यानी सुविधाओं के लिए वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। कहाँ पे चोट लग गई आपको? आप कौन गार्जियन हैं इनके? नहीं, कहाँ दोस्त हैं। दोस्त हैं, कहाँ रहते हैं आप? अलियापुर। ये जो घायल हैं ये अलियापुर में रहते हैं। अलियापुर में रहते हैं। अच्छा, कैसे का चोट लग गई इनको? ये जा रहे थे इधर से पेट्रोल पंप से, और उधर से एक गाड़ी आ रही थी हंडा सिटी, उससे टक्कर हो गई। कैसे जा रहे थे? इससे टक्कर मार दी, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। किस समय घटना लगभग? ये घटना है वही करीबन 8 बजे की, 8 बजे रात की, अलियापुर के पास में। कहाँ रहने वाले हैं ये? अलियापुर के रहने वाले हैं। अलियापुर रहने वाले, क्या नाम है इनका? प्रवेश कुमार। प्रवेश कुमार, सना सना श्री कृष्ण अलियापुर। डॉक्टर साहब, ये जो जरेलापुरवा का ये राजकुमार नाम आ रहा है, इसका एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पर जब आया था तो उसकी क्या पोजीशन थी? ये एकदम हाईली अननोन आया था। अच्छा। जब आया था तो उसको जो हमारे पुलिस वाले थे वो लेके आए थे, अनुज यादव कोई है तो वो लेके आए थे हमारे पास। जब यहाँ आया था तो सांसें चल रही थी, आप लोगों ने ट्रीटमेंट? ब्रॉड डेड था, ब्रॉड डेड था जब ये आया तो, ब्रॉड डेड था। अच्छा। जब आया था तो हमारे लिए पूरा अननोन था ये, तो मैं पूरी इंट्रेस की अननोन तरीके से करी थी, और तो इसको ये जो हमारे जो है कॉन्स्टेबल अनुज यादव वो लेके आए थे बिल्लौर पुलिस स्टेशन के, वही लेके आया, तो उस टाइम पूरा अननोन था। मैंने पूरा देखा इसका सब कुछ, इसका आई वगैरह पूरी डेट वगैरह थी, कोई हार्ट बीट कुछ नहीं थी, तो पूरा एक्सपायर था ये, तो हमने वो जो PI वगैरह उसकी पूरी भेज भाज किया अपना,
और एंट्री कर ली थी। क्या बताया कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था इसका? कुछ हमें अननोन था उसको, जो लेके जो आए थे उन्होंने बताया कि सीएससी में ये सौ लेकर के पुलिस आई थी तो यहाँ पर अननोन था, पुलिस ने यही बताया कि अज्ञात है। उनके लिए अज्ञात था उस टाइम था जब आया था, तो अननोन था। जब कुछ मतलब जब बात चली तो फिर अब ये लोग आए हैं। जब मीडिया के बात माध्यम से ये बात को प्रसारित किया गया तो कहीं ना कहीं जो परिजन है उनका पता लग गया कि ये राजकुमार सना फूलचंद जरेला बरुआ का निवासी है। यहाँ पर उपचार के नाम पर आप लोगों ने क्या कुछ किया? उपचार के नाम पे क्या, मैंने जब देखा उसका, जब मैं मतलब जैसे बोल लाए तो मैंने जब देखा तो बहुत डेडी था वो, क्या करेंगे उपचार के नाम पे उसका। फिर वो जब यहाँ सीएससी में पहुंचा तो वो एक्सीडेंटल बॉडी वो डेड थी, हो चुकी थी। जब वो आया था मृत था, जब वो यहाँ पे आया तो हमारे लिए अननोन और ऊपर से मृत था, तो उसमें हम क्या मरे हुए क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम। अच्छा, ये पोस्टमार्टम की बात आ रही है, पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से कोई गाड़ी जाएगी या ये लोग खुद करेंगे क्या? अब ये तो संस्था बताई क्या कर सकते हैं, ये तो पुलिस वाले पहले पंजीकरण वगैरह से पूरा होगा, पंजीकरण वगैरह होगा, पूरा पंजीकरण वगैरह होगा तो वही सब भेजेंगे, पुलिस वाले करेंगे तो क्या करेंगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सुन रहे थे ये जो जरेला पुरवा में एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पर राजेपुर चौकी के पास में, वहाँ पर जब यहाँ पर सीएससी में ये लाश पहुँची वो अपने परिजनों के साथ में पुलिस ले करके आई थी तो अज्ञात रूप में थी। बाद में जब मीडिया के माध्यम से इस बात को प्रसारित किया गया तो पता लगा कि ये जरेला पुरवा का निवासी है, जिसकी केवल पत्नी एक बच्ची है और लगभग उम्र 26 साल है ना, 26-25 साल की उम्र है। बहुत ही कम उम्र में बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं में अब जो परिजनों के लिए बात कही जाए, अगर अब उन्होंने परिजनों से बात की तो वहाँ पर इनके पिताजी नहीं आ पाए हैं। अच्छा। पिताजी इतने वृद्ध हैं कि वो आने की स्थिति में नहीं है और पत्नी है किसान है। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो दुखद घटना हुई है, इन जिस माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी होती है, एक बेटा, एकमात्र बेटा था, पत्नी अभी नई शादी हुई है, 1.5 साल की बच्ची है उसकी, ऐसे परिजनों के, ऐसे उस पत्नी के दुखी परिवार की प्रशासन की तरफ से जो भी संभव हो सकता है वो मदद करने की आवश्यकता है की जाए। यही कुछ मैं एंग्लो इंडियन न्यूज़ की तरफ से मांग करता हूँ, परिजनों की तरफ से मांग करता हूँ, और ऐसा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि शासन प्रशासन की तरफ से इस दुखी परिवार को जो भी राहत हो सकती है वो जरूर दी जाएगी। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ संजय त्रिपाठी, खास रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।